आज बाल ब्रह्मचारी जीव दया पालक श्री नेमीनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है। शोरीपुर से ब्राह्मण आए, शोरीपुर से व्यावन आए स्वामी नेम कुमार जी, शोरीपुर से व्यावन आए स्वामी नेम कुमार जी, तोरण से रथ को है मोड़ा, तोरण से रथ को है मोड़ा जीव दया चित धार जी, तोरण से रथ को है मोड़ा जीव दया चित धार जी। आज श्री पार्श्वनाथ जैन युवती मंडल शाखा की सदस्याएं इस घटना को नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आए, धन्यवाद। भारत के तत्कालीन इतिहास पर दृष्टि डालो तो महान यादव कुल के दो महापुरुष एक साथ भारत के क्षितिज पर चमकते दिखाई देते हैं। एक हैं अध्यात्म के क्षितिज पर जगमगाते सूर्य करुणा के पुंज भगवान नेमीनाथ, और दूसरे हैं राजनीति के आकाश में प्रकाशमान ज्योतिधर वासुदेव श्री कृष्ण। भगवान नेमीनाथ के जन्म से पहले ही राजा समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई वासुदेव के घर श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। अतः श्री कृष्ण नेमी कुमार के चचेरे भाई थे। कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन चित्रा नक्षत्र में प्रभु नेमीनाथ का आगमन माता शिवा देवी की कुक्षी से हुआ। गर्भकाल में माता ने अरिश में चक्र धारा स्वप्न में देखी थी, इसीलिए पुत्र का नाम अरिश नेमी रख दिया गया। उन्होंने शरीर का रंग नीलों के समान श्याम था। युवावस्था में एक दिन घूमते हुए नेमी कुमार श्री कृष्ण के शस्त्रागार में पहुंचे। तो आइए हम आपको श्री कृष्ण के शस्त्रागार में ले चलते हैं। प्रणाम नेमी कुमार, वासुदेव की स्वस्थ शाला में आपका स्वागत है। रक्षक, हम राधा श्री कृष्ण के दर्शन में उत्सुक हैं। वह तो राज्यसभा में उपस्थित हैं, आते ही होंगे। आइए तब तक मैं उनको आपको स्वस्थ शाला दिखाता हूँ। वाह, अति भव्य यह शस्त्र शाला तो अद्भुत है। हाँ, वह तो है। संसार में इतना कोई भी प्राकर्म्य नहीं है जो इन्हें चला सके, चलाना तो दूर इन्हें उठा भी सके। और यह देखकर श्री कृष्ण
चिंताशील होकर सोचने लगते हैं, नेम कुमार तो हमसे भी बड़े पराक्रमी हैं, ये तो हमारे पूरे राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। वासुदेव अब निश्चिंत रहे, नेम कुमार तो युवा अवस्था में ग्रह त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। और यह सुनकर श्री कृष्ण की सोच बदली। अरे रे, ये हम क्या सोचने लगे, नेम कुमार तो हमारा भाई है, हमें एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह सोचना चाहिए। हमें तो नेम कुमार को इस संसार में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। नेम कुमार को इस संसार में रखने का बस एक ही उपाय है, इनका विवाह कर दिया जाए। हमें अनुज को समझाना चाहिए। फादर श्री आप इस सोच में डूबे हैं। कुछ नहीं अनुज, हम तो बस इतना ही सोच रहे थे कि अब आप विवाह योग्य हो गए हैं और अब समय आ गया है कि आपका विवाह किया जाए। क्या आप हमें इस संसार के बंधनों में बांधना चाहते हैं? नहीं अनुज, नहीं, हम तो आपको विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं और हमारे सभी पूज्य जनों की इच्छा है कि आपका विवाह किया जाए और आपको गृहस्थ आश्रम का आनंद उठाना चाहिए। राधा श्री, संसार के इन क्षणिक आनंदों में हमें कोई रुचि नहीं है। हमें तो उस मार्ग की तलाश है जिसमें आनंद ही आनंद हो। हम आपकी भावना समझते हैं कुमार, परंतु आपके समक्ष अभी पूरा जीवन शेष है। यदुवंश को और संपूर्ण साम्राज्य को आपसे कई अपेक्षाएं हैं और फिर पूज्य जनों की इच्छा को पूर्ण करना भी तो आपका कर्तव्य है। आदर्शी, आप हमें किस तरह संकट में डाल रहे हैं? हमारा प्रस्ताव तो सुनो लेवी कुमार, हमारी रानी सत्यभामा की बहन राजीमती बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न है। आपका और राजीमती का संबंध अति उत्तम रहेगा। ठीक है दादा, जैसी आपकी इच्छा। चलो तो फिर ठीक है, हम राजा उग्रसेन के यहाँ शगुन भिजवाते हैं। चलो कुमार। इधर श्री कृष्ण राजा उग्रसेन को विवाह का शगुन भेज संबंध निश्चित करवाते हैं और उधर विवाह का प्रस्ताव सुनकर राजन सुंदर सपने से जोड़ने लगती है। चलिए हम भी राजू की नगरी चलते हैं। विवाह की शहनाई बज उठी, बाजे बजने लगे और समस्त प्रजा अत्यंत प्रसन्नता से झूमने लगे। जूनागढ़ में सजने देखो तोरण द्वार।
भोजन हेतु सैकड़ों पशु पक्षी एकत्रित किए थे। वर के रूप में जब नेमि कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने बाड़े में बंद पशुओं का कलरव क्रंदन सुना।
जाकर 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। तत्पश्चात रविगिरि की गहन कंदराओं में जाकर आत्मसाधना में लीन हो गए। उन्होंने तपस्या करके आत्मशोधन किया, कर्म बलों का नाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके 22वें नेमिनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। उधर राजीवती भी दूर साधना में अपना जीवन व्यतीत करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर अनेक साधनों के साथ